आई एम डॉक्टर सुधीर वर्किंग इन मेदांता इमरजेंसी गुड़गांव। स्ट्रोक को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए क्या इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत होती है या आपको क्या स्टेप लेने? तो पहला सबसे आइडेंटिफिकेशन जो जरूरी होता है कि आपको स्ट्रोक को पहचानना। जनरली स्ट्रोक में जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है कि आपके बॉडी में एक पार्ट में वीकनेस हो रहा हो, आपका फेशियल डेविएशन हो रहा हो, या आपको बोलने में तकलीफ़ हो रही हो जिसको जनरली हम स्लरिंग ऑफ स्पीच बोलते हैं, या आपको ड्राउजीनेस आ रहा हो मतलब आपका होश पहले से कम हुआ हो, या आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी गेट अनस्टेबल हो गई है, या आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया में आपकी विजन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपके मरीज को स्ट्रोक हो रहा है। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं देन आपका इमीडिएट स्टेप होता है कि आपको अपने हेल्थ सिस्टम को एक्टिवेट करना है, हेल्थ सर्विसेज को एक्टिवेट करना है। स्ट्रोक के लिए जनरली आप प्रिफर करें कि आप स्ट्रोक सेंटर पे जाएं जहां पे स्ट्रोक का पूरा यूनिट हो, ताकि वो टाइमली आपके पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करें, टाइमली ट्रीटमेंट दें, बिकॉज टाइमली ट्रीटमेंट कैन रिकवर योर पेशेंट 100%। एंड इसके बाद भी अगर पेशेंट की रिकवरी उस तरह से नहीं हो रही है तो पेशेंट को क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए होती है, उसमें भी स्ट्रोक यूनिट काफ़ी हेल्प करता है, उनका रिहैबिलिटेशन भी चाहिए होता है। इसलिए स्ट्रोक यूनिट में जाने से आपके पेशेंट के लिए बेनिफिट है।